एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मम्मी से नयन और मैं हूँ दक्षा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। मैं इतनी खुश हूँ ना ये टॉपिक आप लोगों के साथ बात करके कि कैसे मैंने मेरा ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाया। बहुत मुझे रिलैक्स हुआ है इतना अभी। तो मैंने फटाक से सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कैसे छुड़वाया, किसने मेरी मदद की है इस पर, बहुत बड़ी मेरी हेल्प की है, वो मैं बात करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा टॉपिक है कि ब्रेस्ट फीडिंग को कब छुड़वाना चाहिए, कैसे छुड़वाना चाहिए, क्या तरीके हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी, आप दूसरों को भी पूछ के आपका कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है बेबी को एटलीस्ट 2 साल तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना ही है। अगर 2 साल पॉसिबल नहीं है तो आप 1.5-2 साल तक है तो एटलीस्ट 1.5 साल तक तो आपको करवाना ही है। एक ऐसा टॉपिक है ना कि बच्चा 1.5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा बहुत बच्चों को समझ में आने लगता है, तो नहीं छोड़ता है मुझे पता है, बट आपको एक ट्रिक अपनानी पड़ती है। बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं बताऊँगी आपको, एक दो मैं बताऊँगी आपको। तो सबसे मतलब 1.5-2 साल तक तो आपको पिलाना ही पिलाना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ऐसा कंटेंट होता है कि बेबी के ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैंने तो अभी 1.5-2 साल का मेरा बेटा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने अभी उसको टोटली ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दिया है। मुझे इतना रिलैक्स हो लग रहा है अभी। थोड़ा सा होता है एक्टिक सभी के लिए होता है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि अपने बच्चे के लिए अच्छा है तो सभी मदर्स ट्राई करती है। एटलीस्ट 1 साल तो आप दो ही दो, भले 1.5 साल भी नहीं दो, पर 1 साल तो आपको देना ही देना है। कई मदर्स होते हो जो 8 महीने में 7 महीने में 9 महीने में छुड़वा देते हैं बेबी को। आप ऐसे करो कि आपको खाना भी देना है, साथ में फीडिंग भी करवाना है। तो अभी आ जाती है बात की कैसे छुड़वाएं, कि बहुत टफ होता है। मैंने कई लोगों से, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बच्चे छोड़ते नहीं है, कई बच्चे बहुत खाना नहीं खाते, पर मैंने तो इतना ये रखा है कि मेरे बेटे को मैं खाना भी वैसे ही देती हूँ। पर अभी थोड़ा सा ऐसा फेज़ आ चुका था मेरे उसमें कि मेरा बेटा थोड़ा खाना उसने कम कर दिया, तो फिर मैंने कुछ तो करूँ। तो मैं थैंक्स टू मेरी ननन, मेरी सिस्टर इन लॉ, मैंने उनको कॉल किया, क्योंकि उनका पहला बेटा है, अभी दूसरा बेटा है। तो दूसरे बेटे ने भी अभी वो भी कंप्लीट 2 ईयर्स का हो चुका है, तो उसने भी छोड़ दिया है। तो मैंने तुरंत उनको कॉल लगाया कि कैसे करूँ क्या करूँ। तो उन्होंने पहले बोला मेडिकल से तुम दवाई लेकर आओ। मैंने तो फर्स्ट बेटे को मेडिकल की दवाई से छुड़वाया, सेकेंड बेटे को कैसे छुड़वाया वो मैं आपको बता दी। तो उन्होंने उनका खुद का एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया, मुझे बोला तुम भी ट्राई करके देखो। जो सेलो टेप होती है ब्लैक कलर की या तो रेड कलर की, सेलो टेप को लगाओ, शायद ये नुस्खा काम आ जाए। तो बोला ठीक है मैं कर देखती हूँ। तो मैंने लगाया, इमीडिएट 1 आवर भी नहीं लगा मुझे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने। जैसे ही उसने देखा, मतलब मैं उसको बता दी बॉय, ऐसे आपको बेबी को कन्विंस करना है, बताना है कि ये अभी मम्मा को चोट लग गई है वहाँ पे, अभी आपको दूध नहीं मिलेगा, तो ऐसे कई तरीके आपको अजमाने हैं। तो वैसे रेड कलर और ब्लैक कलर ऐसे थोड़ा सा ये कलर होता है आँखों को, तो तुरंत बेबी ऐसे अपना पैर खींच लेता है, आगे नहीं बढ़ता है बच्चा। तो मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब मेरा बेटा, मतलब रात में 4-5 बार उसको फीडिंग करवाना, मतलब मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन था। बट अभी बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुरंत नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर इन लॉ का एक कॉल आया, तो मैंने उनको बताया आपकी टेक्निक मुझे बहुत काम आ गई। मैं इतनी खुश हूँ अभी कि सही राइट टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग छूट गया। 2 साल के बाद बच्चे बहुत मैच्योर हो जाते, बहुत समझने लगते, तो उनको समझते हैं, तो वो सेलो टेप को ऐसे निकालने लगते। तो अभी तो ऐसा एज था मैंने, तो मेरा बेटा मेरे बाजू में ही नहीं आया, तो मुझे ऐसे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये बात। तो एटलीस्ट आपको 1.5 साल तो करवाना है, 1.5 साल बस थोड़ा ट्राई करोगे ना तो 1.5-2 साल तक छूट जाएगा 100%। मैं बहुत डरी हुई थी कैसे करूँ क्या करूँ, बट एक हो गया, अच्छा हुआ सब कुछ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। तो ऐसे रहा था मेरा एक्सपीरियंस। दूसरा बताओ तो आपको कोई भी लाल कलर लगानी है वहाँ पे, लाल कलर से थोड़ा बच्चे ना हिचकते वहाँ जाने को। तो अब अगर बच्चा पास में भी आता है ना तो आप बता दो, देखो मम्मा को भौ हो गया है, मम्मा को लग गया है, ताता हो गया है, ये हो गया, ऐसे बोल के आप बच्चों को ये कर सकते हो। तो मेरे बेटे के दिमाग में भी वो फिट हो गया कि मम्मी को उधर कुछ तो हुआ है, तो वो आके मतलब मुझे हग करता है, मेरे गालों पे खींची देता है, मैं उसको बोल दूँ बाबू भौ हो गया है मुझे, तो वो आता है मुझे हग करता है, मतलब उसको समझ में आ गया है, मतलब
पौने 2 साल का फेज ही वैसा होता है कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को बहुत समझ में आने लगता है, और उसके बाद आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको ये भी टेक्निक यूज नहीं होती तो सीधा आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर को बताइए ऐसे हो रहा है, तो डॉक्टर कुछ तो दवाई लिख कर देंगे, तो वो दवाई से भी शायद हो जाएगा। मैंने तो इवन करेला भी लगाया था, वो भी मेरा कुछ काम नहीं आया, मेरा कुछ भी काम नहीं आया। तो मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ की, सेलो टेप वाली। आई होप आप भी करके देखिए, और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि ये टेक्निक आपको काम आई कि नहीं। आई होप, मुझे बहुत खुशी हो रही है बताती हुई, शायद आप लोगों को भी ये मेरी टेक्निक अच्छी लगे। और प्लीज़ मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये टेक्निक आपको काम आई कि नहीं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, नीचे रेड बटन है, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू वेरी मच।